हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी के इस वीडियो में आज हम तीन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनमें कैसा मौका बन रहा है। दोस्तों, आपसे मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आज का हमारा पहला स्टॉक GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है। ये 11,973 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये स्टॉक मंगलवार 27 फरवरी 2024 को 1,274 रुपए और 55 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1,381 रुपए है और 52 वीक लो 930 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 1,233 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 1,301 रुपए और 35 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 1,350 रुपए और 35 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 1,396 रुपए और 15 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या इन लेवल्स से भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 1,236 रुपए और 55 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 1,178 रुपए और 10 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 1,118 रुपए और 5 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा दूसरा स्टॉक KEC इंटरनेशनल लिमिटेड है। ये 17,251 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये स्टॉक मंगलवार 27 फरवरी 2024 को 697 रुपए और 60 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 747 रुपए और 70 पैसे है और 52 वीक लो 444 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 650 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 704 रुपए और 35 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 727 रुपए और 15 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 748 रुपए और 25 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या इन लेवल्स से भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 682 रुपए और 15 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 657 रुपए और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 627 रुपए और 20 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा तीसरा स्टॉक जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ये 4,608 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये स्टॉक मंगलवार 27 फरवरी 2024 को 124 रुपए और 15 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 135 रुपए और 35 पैसे है और 52 वीक लो 94 रुपए और 40 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 112 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 126 रुपए और 35 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 131 रुपए और 80 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 135 रुपए और 30 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या इन लेवल्स से भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 121 रुपए और 25 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 116 रुपए और 10 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 112 रुपए। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है।
दोस्तों यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनमें कोई बाई सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।